सदी की सबसे बड़ी फिल्म आदि पुरुष की एडवांस बुकिंग डबल डिजिट में आ चुकी है। जी हाँ, दिस इज द बिगेस्ट सरप्राइज। आज सुबह जब मैंने एडवांस बुकिंग रिपोर्ट्स ओपन करके देखी, मैंने आपसे रात को जो नंबर शेयर किया था, मैंने आपसे कहा था कि रात से सुबह तक बहुत बड़ा डिफरेंस आने वाला है, क्योंकि अभी तक कल हैदराबाद की जो भी एडवांस बुकिंग थी वो पूरी तरीके से एड ऑन नहीं हुई थी, और मेरे ख्याल से एक दो दिन ही हुए थे जब एपी तेलंगाना में एडवांस बुकिंग्स ओपन हुई थी। एंड इट वॉज अ मिरेकल टू सी कैसे सुबह तक में ये नंबर जो है इतनी आगे पहुंच चुका है। आदि पुरुष इज गोइंग टू बी वन ऑफ दोज मूवीज जिनको अगले 10 सालों तक भी लोग याद रखने वाले हैं। ये कलेक्शंस, ये एडवांस बुकिंग्स, इस तरीके का रिस्पांस जो देखने में मिल रहा है, दैट इज हिस्टोरिक। ठीक है, तो क्या एडवांस बुकिंग आई है, ओवरसीज का क्या नंबर था, अब इस वक्त मेरी वीक डे को लेकर क्या प्रेडिक्शन होने वाली है, ऑक्यूपेंसीज क्या क्या है, कहां कहां पर, सब कुछ के बारे में बात होगी इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आदि पुरुष के इस क्रेज, इस मेनिया की। नाउ देयर इज जस्ट वन डे टू गो फॉर आदि पुरुष, और मैंने आपसे कहा था कि आज के दिन जो एडवांस बुकिंग्स मेनली आने वाली हैं वो आएंगी दिल्ली मुंबई जैसी सिटीज से, क्योंकि यहां पर लोग वेट करते हैं कि जैसे ही वो थर्सडे आता है उस दिन तक लोग थोड़ा सा वेट करते हैं, तब जाकर एडवांस बुकिंग्स एक बहुत बड़ा जंप लेती हैं। वैसे ही रात की रिपोर्ट से अभी तक इतना बड़ा जो जंप आया है ये सच में अनबिलीवेबल है। मुझे अभी भी देखकर इतनी हैरत हो रही है कि ये इतना बड़ा जंप, मतलब बड़ी बड़ी फिल्मों का सिर्फ और सिर्फ एडवांस बुकिंग इतनी आती है जितनी रात से सुबह तक आदि पुरुष की हो चुकी है। तो 15th जून को आज के दिन आदि पुरुष की क्या एडवांस बुकिंग रही है, पहले ये बात करते हैं, उसके बाद हम बाकी ऑक्यूपेंसीज वगैरह की बात करने वाले हैं। तो हिंदी 3D वर्जन इज डूइंग वंडर्स, लिटरली वंडर्स। हिंदी 3D वर्जन का जो रिस्पॉन्स आ रहा है दैट इज फिनोमिनल। मैंने आपसे कल रात की रिपोर्ट में जो नंबर शेयर किया था हिंदी 3D वर्जन का, दैट वॉज अराउंड अबाउट 4 crores, ठीक है, 3.9 crores वो नंबर था, और गेस कीजिए इस वक्त क्या नंबर आ रहा है। एट दिस मोमेंट हिंदी 3D इज 5.65 crores। द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इज 1.86 lakh टिकट सोल्ड इन जस्ट हिंदी 3D वर्जन, एंड द एवरेज टिकट प्राइस इज 258 rupees, अ बम्पर। दिस इज कॉल्ड अ कॉमन मैन टिकट प्राइस, जिसके लिए लोग सच में वेट करते हैं कि ऐसा टिकट प्राइस हो जो सबके लिए बजट फ्रेंडली हो, जिसके लिए लोगों को दो बार सोचना ना पड़े फैमिली के साथ जाने के लिए। एंड दिस इज वॉट द मेकर्स हैव डन, दिस इज अ मास्टर स्ट्रोक। इसी के चलते जो एडवांस बुकिंग्स है वो इतनी ज्यादा धड़ल्ले से बिकी है। मुझे नहीं उम्मीद थी कि हिंदी 3D वर्जन जो है वो इतना ज्यादा इकोनॉमिकल रहेगा। मेरे को लग रहा था करीब करीब आदि पुरुष का भाई हिंदी 3D वर्जन जो है 450 से 500 रुपए की टिकट होगी, लेकिन इट इज़ अ प्लेजेंट सरप्राइज फ्रॉम द मेकर्स। ठीक है, हिंदी 3D के बाद हिंदी 2D की बात करते हैं। सिर्फ अभी तो देखो हिंदी वर्जन में ही, हिंदी 2D वर्जन इज 1.03 crore, सिर्फ हिंदी वर्जन में ही करीब करीब 7 crore तक नंबर ये जा रहा है बॉस, ओनली इन हिंदी वर्जन, हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, हिंदी 2D इज 1.03 crore, 41.7K टिकट्स हैव बीन सोल्ड आउट, 178 rupees इज द एवरेज टिकट प्राइस, वंडरफुल टिकट प्राइस। ठीक है, इसके बाद तेलुगु 3D वर्जन है सेकेंड मोस्ट पॉपुलर, यहाँ पर 2.87 crores इज द एडवांस बुकिंग, 1.09 टिकट्स, 1.09 lakh टिकट्स हैव बीन सोल्ड आउट, दिस इज इनसेन क्रेजी, 230 rupees इज द एवरेज टिकट प्राइस, बहुत बढ़िया चल रहा है। पहले तेलुगु 3D वर्जन में हाईएस्ट टिकट प्राइस था, लेकिन अब ये घटकर 230 rupees तक पहुंच चुका है। इसी के साथ तेलुगु 2D में 93.5 lakh की एडवांस बुकिंग आ चुकी है, 46,000 टिकट्स हैव बीन सोल्ड आउट, 185 rupees इज द एवरेज टिकट प्राइस। मलयालम 3D 2.78 lakhs एडवांस बुकिंग, 1,358 टिकट्स हैव बीन सोल्ड आउट, 165 rupees इज द एवरेज टिकट प्राइस। तमिल 3D 3.41 लाख की एडवांस बुकिंग, 2,908 टिकट्स हैव बीन सोल्ड आउट, 158 rupees का एवरेज टिकट प्राइस। तमिल 2D में 13,000 इज द एडवांस बुकिंग, 161 टिकट्स हैव बीन सोल्ड आउट, 121 इज द एवरेज टिकट प्राइस। कन्नड़ा 3D वर्जन में 1.53 लाख टिकट्स हैव बीन सोल्ड आउट, 1.53 लाख इज द एडवांस बुकिंग, 737 tickets have been sold out, 171 is the average ticket price, and the Kannada 2D version has 7010 advance booking, 33 tickets have been sold out, and 137 rupees is the average ticket price. And with that, the total of advance booking as on 15th of June for Adi Purush is 10.58 crores, and isi ke saath the number of tickets sold is 3.9 lakhs. टिकट्स हैव बीन सोल्ड आउट, दिस इज फिनोमिनल। अच्छा, जो हमने टॉप 3 की बात की थी, क्या आदि पुरुष उस टॉप 3 वाले ब्रैकेट में पहुंच पाएगी नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड आउट में? जैसे मैंने कहा कि कम से कम 5 से 5.5 लाख टिकट तक
डे वन के लिए सोल्ड आउट करनी पड़ेंगी, तब जाकर इस ब्रैकेट में ये फिल्म आने के लिए एलिजिबल होगी। जी हाँ, और वो चीज़ ना मुझे होती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है बॉस। डबल डिजिट 10.5 करोड़, 10.6 करोड़ की टिकट हैव बीन, 10.6 करोड़ की एडवांस बुकिंग आ चुकी है, करीब करीब 4 लाख टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है। दिस इज नॉट अ जोक, लिटरली दिस इज वॉट आई कॉल इज अ ब्लॉक बस्टर एडवांस बुकिंग। इसी के साथ मैं आपको बता दूँ कि तेलुगु में एक चीज़ कल चल रही थी कि जो भी मेकर्स हैं उनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही थी कि 50 रुपीस तक टिकट हाइक हो सके सिंगल स्क्रीन्स में, ताकि जो ओपनिंग वीकेंड है उसमें एक बहुत बड़ा जंप मिल सके, और वो चीज़ अप्रूव होकर आ गई। सिंगल स्क्रीन्स का टिकट प्राइस भी बहुत ज़्यादा नॉमिनल नहीं है, लेकिन बहुत हाई नहीं है, बहुत ही बढ़िया अफोर्डेबल टिकट प्राइस रखा गया है हर जगह पर। तो इसी के साथ अगर हम बात करते हैं अब बुक माई शो का, जैसे मैंने आपसे कहा था इंटरेस्ट रेट, लाइक्स, बुक माई शो पर जो लाइक्स हैं That is record breaking. मतलब इस वक्त जो नंबर आ रहा है, अभी आप सोच लो सुबह के 9:15 बज रहे हैं, और जो मैंने अभी 10 मिनट पहले चेक किया है, that is 998.5K likes, which means 1 million likes आने वाले हैं कुछ ही देर में। बड़ी बात नहीं है, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तब तक 1 million बुक माई शो पर लाइक्स आ चुके होंगे आदि पुरुष के। ऐसा रिकॉर्ड बॉस किसी फिल्म का आज तक नहीं है। आदि पुरुष, जैसे मैंने कहा, सदी की सबसे बड़ी मूवी, बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल 100% ये बात सच होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ साथ अब जरा ऑक्यूपेंसीज की बात करते हैं, शो काउंट्स की बात करते हैं। देखिए आदि पुरुष को शो काउंट्स, मैंने आपको पहले ही कहा था कि डोमेस्टिकली 6200 स्क्रीन्स मिली हैं, 6200 डोमेस्टिकली, ओवरसीज में अगेन अनदर 1200 स्क्रीन्स मान के चलो कि वहाँ पर भी बाहर भी मिली हुई हैं। और कल मैंने आपसे ओवरसीज का नंबर भी शेयर किया था, करीब करीब 6.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग ओवरसीज में आ चुकी है। तो अगर मैं अभी का टोटल आपको बता दूँ, विच इज़ एज ऑन 14th of June, माइंड यू एज ऑन 14th of June, ये 15th June तो अभी ऐड ही नहीं हुआ है, ठीक है, एज ऑन 14th of June इज रीचिंग समवेयर 17 करोड़। एंड आई एम नॉट किडिंग, आई एम टेलिंग यू, आज में 20 करोड़ से 22 करोड़ तक की टोटल ग्रॉस एडवांस बुकिंग जो है आती हुई नजर आ रही है, विच मीन्स डे वन पर 100 करोड़ बॉस इज अ केक वॉक फॉर आदि पुरुष। लिटरली ये चीज होती हुई दिख रही है, मुझे नहीं लग रहा था भाई, 25 करोड़ मैंने बोल तो दिया था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था 25 करोड़ तक एडवांस बुकिंग जो है आदि पुरुष की आ जाएगी। एंड दिस इज फिनोमिनल, हिस्टोरिक, ऐसा नहीं हुआ पहले कभी 25 करोड़ के आसपास की एडवांस बुकिंग बॉस। उफ, कुछ और ही दुनिया में इसकी कलेक्शंस जाने वाली हैं यार, कहाँ तक जाएंगी कोई सोच भी नहीं सकता, ठीक है। इसी के साथ चलिए ऑक्यूपेंसीज की बात करते हैं हम लोग। हिंदी 3D वर्जन में दिल्ली NCR में 24% की ऑक्यूपेंसी चल रही है, 489 शोज में से 87 आर हाउसफुल एंड 77 आर फिलिंग फास्ट। साथ ही साथ मुंबई में 13% ऑक्यूपेंसी, 565 शोज, सबसे ज्यादा शोज मुंबई में है, 565 शोज में 34 आर हाउसफुल, 50 आर फिलिंग फास्ट। पुणे 16% ऑक्यूपेंसी, 221 शोज, 19 हाउसफुल, 35 आर फिलिंग फास्ट। कोलकाता 13% ऑक्यूपेंसी, 152 शोज में से 5 आर हाउसफुल, 21 आर फिलिंग फास्ट। और मैं अगर आपको बताऊं नॉर्थ बेल्ट की बात करते हैं, चलिए आदि पुरुष को लेकर जरा नॉर्थ बेल्ट की बात करते हैं। नॉर्दर्न बेल्ट में किस तरीके का हिसाब किताब चल रहा है, चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अकेले चंडीगढ़ से ही 8.2 लाख की एडवांस बुकिंग आ चुकी है विदाउट ब्लॉक सीट्स, 21% की ऑक्यूपेंसी है, 53 शोज में से 7 आर हाउसफुल, 10 आर फिलिंग फास्ट। लखनऊ में 30% की ऑक्यूपेंसी है, 30% के साथ 101 शोज में 22 आर हाउसफुल एंड 16 आर फिलिंग फास्ट। अहमदाबाद में 12% की ऑक्यूपेंसी, 147 शोज में 8 आर हाउसफुल एंड 6 आर फिलिंग फास्ट। इसी के साथ साथ साउथ में चलते हैं बॉस। साउथ में क्या चल रहा है ये तो बयान ही नहीं किया जा सकता, साउथ की क्या मैडनेस चल रही है। पूरे 3 दिन यानी कि 16, 17, 18 फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों दिनों पर हाहाकार मचा हुआ है टिकट्स को लेकर, इट्स ऑल फिलिंग फास्ट हाउसफुल, टिकट्स नहीं मिल रही हैं साउथ में, स्पेशली बैंगलोर हैदराबाद की बात कर रही हूँ। बैंगलोर में अकेले बैंगलोर से 1.06 करोड़ की तो एडवांस बुकिंग है डे वन की, 26% इज दी ऑक्यूपेंसी, 393 शोज में 136 आर हाउसफुल एंड 68 आर फिलिंग फास्ट। हैदराबाद में 50% की ऑक्यूपेंसी है, 244 में शोज में से 94 आर हाउसफुल, 9 आर फिलिंग फास्ट। विजयवाड़ा में 92% की ऑक्यूपेंसी, 12 के 12 शोज आर हाउसफुल। वारंगल 87% ऑक्यूपेंसी, 6 के 6 शोज आर हाउसफुल। गुंटूर 53% ऑक्यूपेंसी, 4 में से 2 शोज आर हाउसफुल। वाइजैग में 63% ऑक्यूपेंसी, 10 में से 6 शोज आर हाउसफुल। ये लिस्ट अभी और लंबी होने वाली है, आज का दिन बाकी है, आज के दिन पे मुझे लगता है अनदर 5 करोड़ ये नंबर याद रखिएगा। अभी मैंने आपसे 10.5 करोड़ बोला है, आज शाम को जब हम बात कर रहे होंगे कोई बड़ी बात नहीं है 15 से 16 करोड़ की एडवांस बुकिंग की बात हो रही होगी।
जी हाँ, बहुत बड़ी बात है ये। और सोचिए कल सुबह एक और रिपोर्ट जब शेयर होगी, क्योंकि रात आज रात का नंबर कल सुबह ही आएगा, उस वक्त पे क्या मैडनेस होगी। मतलब मेरे मुंह से 25 करोड़ बोला हुआ वो सच होने वाला है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। क्योंकि यार ये जो फिल्में हैं ना, वंस इन अ लाइफ टाइम बनती हैं आदिपुरुष जैसी मूवीज़, रोज़ नहीं बनती हैं। और हर इंसान के दिल में क्यूरियोसिटी है, हर बंदा आदिपुरुष देखना चाहता है और वो देखेगा, क्योंकि टिकट प्राइस बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है। तो आपको क्या लगता है आज क्या आग लगने वाली है बुक माई शो पे? क्या आपने अपनी टिकट्स बुक कराई हैं या नहीं, मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टार फाइन।